क्या बात है, क्या बात है। आज की सुबह का आगाज़ हमने सोचा कि ज़रा अलग तरीके से किया जाए। पीर का दिन है, मंडे है, तो हमने सोचा कि भाई म्यूज़िकल मंडे किया जाए। और वैसे भी जो सियासत हैं उसके मामला आप देख रहे हैं, एक अजीब हिजान अंगीसी किसी कैफियत है, बहुत कुछ हो रहा है इस मुल्क में, तो उन सब चीज़ों को हमने सोचा कुछ देर के लिए रखें साइड पर और मौसीकी से आगाज़ करें, मौसीकी से इब्तदा करें। लेकिन और उसके लिए अनुज बलोच साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद हैं नईम परवेज साहब जो कि तबले पर हैं। अनुज, आपकी उम्र जो है वो 16 साल हो गई है। जी 16 साल हो चुकी है इनकी उम्र। और कितनी अरसे में, कब कब शुरू किया था आपने सीखना? ये मैंने सीखना शुरू किया था सन 2016 से। 2016 में, यानी कि आपको सीखते हुए तकरीबन और ये 7 साल हुए। जी तो 7 साल में आपने माशाल्लाह ज़बरदस्त, क्या बात है। उस वक्त आपकी उम्र थी कोई 9 साल? 10 साल। 10 साल जी। तो 10 साल में सीखना शुरू किया, और किससे सीखा? सबसे पहले मैंने अपने चचा से सीखा। अच्छा। उसके बाद फिर मैं उस उस्ताद के पास गया, तो उन्होंने फिर कुछ राग सिखाए। अच्छा। फिर उसके बाद छोड़ दिया क्योंकि पढ़ाई की वजह से और फिर कोरोना की वजह से भी प्रॉब्लम। तो पढ़ाई अभी आपकी कहाँ तक चल रही है? क्या अभी मैं ओ लेवल्स में हूँ। अच्छा। और मैं अभी 8 में। तो वो उसमें भी तो आगे फिर आपका कोई म्यूजिक व्यूजिक पढ़ने का इरादा है? जी अभी तो यही है। हाँ। लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि पहले मैं जरा एजुकेशन कर लूँ। हाँ। उसके बाद फिर उसके बाद जरा मौसीकी की तरफ थोड़ी ज़्यादा तवज्जो देंगे। अभी भी तवज्जो आपकी वैसे अच्छी है, माशाल्लाह ज़बरदस्त। तो अनुज जो है उन्होंने जब शुरू किया, खूब खूब फैल गई बात शनासाई की, तो मेरे जहन में यही आया कि भाई खूब खूब फैल गई बात महंगाई की, क्योंकि महंगाई की खबर जो है वो एक ऐसी आई है कि इसको अगर थोड़ा सा वेरिएशन में कर सकते हैं,
खूब खूब फैल गई बात महंगाई की, खूब खूब फैल गई बात ऐसे ही ऐसा ही हालात है, क्योंकि वो मैं कुछ खबरें देख रहा था, मैं आपको बताऊंगा। महंगाई में पाकिस्तान श्रीलंका से भी आगे निकल गया है और ये एक बड़ी ख़तरनाक किस्म की रेटिंग आई है पाकिस्तान की। तो लेकिन 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 महंगाई की बात करने से पहले हम आपको वैसे 60 सेकंड न्यूज़ की तरफ भी लेके जाएंगे, लेकिन पहले एक और गाना सुनेंगे हम, क्योंकि जब मौसीकी वाला माहौल हो जाए तो फिर उसको रोकना ज़रा मुश्किल होता। आपका आप किन किन को गाते हैं? मैं उस्ताद नुसरत अली खान जबरदस्त, गुलाम अली और जबरदस्त। तो फिर नुसरत फतेह अली खान साहब की तरफ चलते हैं, उनका क्या सुनाएंगे बाबा? उनकी मैं पंजाबी गजल सुनाऊंगा, सुन चर के दी मीठी मीठी। ओहो जबरदस्त, वाह 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 वाह। भाई वाह वाह जबरदस्त, बहुत ही आला, बहुत ही आला। मैं अच्छा, कुछ थोड़ा बहुत कहना चाहूंगा। हाँ हाँ जरूर। आप देखें जैसे कवाली और फोक म्यूजिक आजकल बहुत ज्यादा नौजवानों में आता जा रहा है, लेकिन वो अपनी जो असली रवायत है गजल को वो भूलते चले जा रहे हैं। हाँ। मेरा ये भी कहना और मेरी जितने भी नौजवान सुन रहे हैं उनसे मेरी ये गुजारिश है कि गजलों को भी सुने, क्योंकि गजलें ही हमारा मुल्क का वो है एक प्रॉपर म्यूजिक है। बिल्कुल बिल्कुल, एक बड़ी ज़बरदस्त सिंफ है जो कि और कहीं पर भी नहीं पाई जाती। बिल्कुल सही, तो हमने शुरू तो उसी से किया था, गजल से आगाज तो हमने गजल से किया था, इसी वजह से आपने शायद अपनी फेवरेट जो है वो सुनाई। अच्छा ये हारमोनियम बजाना क्यों ज़रूरी है? हर उस फोक वालों को भी मैं देखता हूँ या क्लासिकल वाले जितने भी हैं या कव्वाली में भी, हारमोनियम बजाना क्यों ज़रूरी है साथ साथ? उसकी वजह ये कि जो इसको बजाएगा ना वो हुकूमत करेगा पूरे दुनिया। कैसे? उसकी वजह ये कि ये जो है ना बेसिस इससे ही लोग सीखते हैं, जिन्होंने भी शुरू किया ना, आप चाहे अरिजीत सिंह को ले लें या अली जफर को ले लें। हाँ। आप देखें ये उस तरह वो गाते नहीं क्लासिकल। हाँ। अब अगर आप आतिफ असलम को भी सुने, इन तीनों को भी सुने, उनके गले
क्लासिकल है, प्योर क्लासिकल, वो इसी से उन्होंने शुरू किया था और बाद में फिर इसमें आए थे। अच्छा, ये बात तो ये आगाज के लिए जरूरी है। जी जी, कोई भी शख्स जो मौसीकी उसको ये करना पड़ेगा, चाहे वो गाना भी सीख रहा हो, चाहे कोई भी गाना हो, इंग्लिश हो, कुछ भी हमें गाना, इसको पहले सीख लो, फिर बाद में जो मर्जी करते। वाह, जबरदस्त। क्योंकि इसे ना बेस बनता है। अच्छा, ये बात। और ये फिर सुरों को भी जाहिर है पकड़ने में। हाँ जी, हाँ जी। तो अच्छा, आप कहाँ कहाँ परफॉर्म कर चुके हैं अभी तक? तो खैर काफी चैनल्स पे, मुख्तलिफ चैनल, सुनो हो गया, चाहिए मुख्तलिफ चैनल्स पर, और भी बड़े, और इसके अलावा प्रोग्राम्स में। जी जी, उसके अलावा फैमिली फंक्शंस होते हैं, उस तरह में जाते हैं। तो ये तो सही है, घर का खर्चा बच जाता होगा, घर पे किसी और को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती होगी। जी जी। लेकिन जब फैमिली फंक्शन होता है तो वो जो बाहर किसी गुलकार को पेमेंट देनी होती है, वो फिर आप उसकी आधी तो लेते होंगे ना? तो यार ऐसे तो ना करो। जी जी, होता है ये? जी जी, या उसमें भी डिस्काउंट करवाते हैं? नहीं, वो बस जितनी वो नजर शेदर कर दें। हाँ, वो फिर वो तो होता ही है, वो तो होता ही। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, तो अगला क्या सुनाएंगे भाई? अभी मैं आपको सुनाऊंगा उस्ताद, कोई थोड़ा तेज, कोई तेज अगर किसी की तरफ जाएं हम। जी जी, वो अभी तरह हमने धीमा माहौल रखा हुआ, यूं समझे कि महंगाई है और तेजी से बढ़ रही है, पेट्रोल की कीमतें तेजी से बढ़ रही है। गुलाम अली खान साहब की गजल है। अच्छा, हमको किसी के गम ने मारा, हमको किसी के गम ने मारा। भैया आपने भी क्या खूब जबरदस्त साथ दिया, वाह 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 वाह। हमको किसके गम ने मारा, ये कहानी फिर सही।